दोस्तों, ये तो हर भारतीय जानता है कि उसका प्यारा देश कई रहस्यों से भरा हुआ है। हर पल कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहस्यों से भरी बात हर किसी भारतीय के सामने आती ही रहती है। तो ऐसा ही एक विचित्र रहस्य है जिसके सामने अमेरिका के मशहूर डिस्कवरी चैनल ने भी हार मान ली थी। उनके साथ गए सभी वैज्ञानिक इस रहस्य को कभी नहीं समझ सके। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा है भारत का ये रहस्य। दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको 5000 साल पहले जाना होगा, जब महाभारत काल था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था, जिस जगह उनके रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। वो छतरपुर जिले में भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह स्थान जिला मुख्यालय छतरपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सघन वनों के बीच बाजना कस्बे के पास है। चारों ओर से कई प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि ये स्थान भीम के गदा के प्रहार से अस्तित्व में आया था। जनश्रुतियों के अनुसार अज्ञातवास के समय जंगल में विचरण के समय द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भीम से पानी लाने को कहा। भीम ने वहीं एक स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां पाताली कुंड निर्मित हुआ और अथाह जलराशि नजर आई, जिसके बाद से इसका नाम भीम कुंड हो गया। दोस्तों, इस कुंड के जल की खासियत है कि यह अत्यंत निर्मल और नीले रंग का एवं पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की काफी गहराई तक अंदर की चीजें भी नजर आती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसी गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, भीमकुंड का ये रहस्य सबसे गहरा है और इसकी गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप पाया है। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कुंड है वो जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जलधारा के कारण बना है, पर इस बारे में आज तक कोई भी भूजल वैज्ञानिक ये पता नहीं कर सका कि आखिर ये जलधारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। भीमकुंड तब चर्चा में आया था जब हिंद महासागर में विशाल सुनामी के दौरान इस कुंड में ऊंची लहरें उठने लगी थी। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने के लिए आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इस कुंड में गोता लगाए लेकिन वो ना तो इसकी गहराई नाप सके और ना ही ये पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का आखिर कारण क्या था। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ विचित्र और लुप्त जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले थे। दोस्तों, अगर आपको भी कभी समय मिले तो इस भीमकुंड को जरूर घूम कर आएं। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।